बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, हमारे ताऊ की रिटायरमेंट है, तो अब हम जा रहे हैं उन्हें लेने। मैं सिंपल ऐसे रेडी हुई हूँ और अभी मेरी पार्लर वाली आ गई है। शाम के फंक्शन के लिए दूसरा रेडी होंगी, ये मैं खुद हुई हूँ। और आज का सारा ब्लॉग ये बनाने वाली है, मैं अपना फोन इसे सौंप रही हूँ। तो चलो चलते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ। बुआ कौन अच्छा लग रहा है सबसे ज्यादा? गाइस मेरी बुआ है तो मुझे ही बताएंगे। गाइस ये वाली बुआ तो पक्का मुझे ही कहेंगी। हमारे ताऊ मतलब हमारे ताऊ चटू, ढोल की आवाज आ रही है आपको? अभी आगे आएंगे तब दिखाऊंगी मैं आपको, दिखाऊंगी तो कैसे, मेरे को तो खुद ही छू दिख रहा है, खुद ही ऐसे हो गया। पार्लर वाली जो है आरुषि, जिससे मैं तैयार होती हूँ अपनी मेकअप आर्टिस्ट, वो बेचारी 2 बजे की आ रही है। मुझे सीरियसली उसके लिए इतना बुरा फील हो रहा है। और अभी पता है गाइस टाइम 4:12 हो रही है और पीछे अभी भी फंक्शन चल रहा है। मैंने ना तो लोअर टी शर्ट पहन के जाना था तैयार होने, बट मैं ऐसे ही जा रही हूँ और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। और मैंने कुछ भी ज्वेलरी वगैरह चेंज नहीं की, सब कुछ वहीं जाके करूँगी क्योंकि मेरा लहंगा वहीं है। और अभी मेरी इनसे लड़ाई हो गई थी, इसलिए मुझे रोना आ गया क्योंकि ये मुझे छोटी छोटी बात पर डांट देता है ऐसे फंक्शन में। सब टेंशन दिखाते हैं, मैं कुछ भी नहीं दिखाती, तब भी ऐसे करते हैं। मेरे पास गाइस लास्ट डे कुछ भी नहीं था, मैं पुनीत के साथ सदर गई थी। मतलब 1 घंटे में ऐसे 2 बार तो पुनीत का एक्सीडेंट ही हो जाता,
इतनी तेज स्कूटी चला के लेके गया सदर से मेरी ज्वेलरी वगैरह जो मुझे आर्टिफिशियल चाहिए थी लहंगे के साथ के लिए, मेरी मैचिंग की चप्पल सब उसी ने ला के दिए। ये ना हमारी गाड़ी में सामान पड़ा हुआ है ताऊ का, और ये क्यों मिला था रिटायरमेंट का गाइस, ये ना तब ताऊ तो मांगेंगे नहीं से खाने के लिए और मुझे भूख लग रही है। तो अभी जस्ट ताऊ ये वाली गाड़ी में ही आए थे ना, ताऊ सनरूफ में से तो निकले ही नहीं है, निकलना था ना, तब माला पहनाते फिर टायर पे चढ़ चढ़ के। तो ये ताऊ को ना रिफ्रेशमेंट वहाँ पे, क्योंकि आज एक ही नहीं बहुत सारे लोग रिटायर हुए थे ना, तो सबको ऐसे रिफ्रेशमेंट मिली थी। तो अगर ताऊ व्लॉग देखेंगे तो कहेंगे ओ मेरा डब्बा खा गई तो मैं ये खा जाती हूँ गाइस, लो मिठाई आप खा लो। प्यारी मेरी प्यारी मेकअप आर्टिस्ट आ चुकी है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने इसे 2 घंटे वेट कराया, नहीं 4 घंटे, 4 घंटे 1 बजे से बैठी है ये दो, मैं वो झूठ नहीं बोलेगी। और गाइस मैं इस इतना अच्छा मेकअप देख के मेरा कह रही है दीदी मैं आपसे ही सीखूंगी। और गाइस आप लोग पूछ रहे मतलब यार मेरे पास पता है सच में, देखो मैं मेरे ब्लॉग देखोगे बुरा मत मानना, जिन जिन लोगों को मैंने बोल रखा था आज तैयार होने बुलाऊंगी आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यार देखो मैं अपने मुंह पर रिस्क नहीं ले सकती, कभी और रिस्क लूंगी क्योंकि ना मेरे को 2-3 लोगों ने बोला था हमसे तैयार हो जाना आज तैयार हो जाना, मैंने सबको बोला बुलाऊंगी तो इसलिए मैं आरुषि से तैयार हो रही हूँ, बहुत जल्दी हम लोग भी साथ में शूट करेंगे। तो चलो मैं तैयार हो जाऊँ, ये है मेरा ब्लाउज, बस ब्लाउज दिखा रही हूँ अभी, वैसे आई मेकअप तो सही हुआ ही पड़ा है। तो चलो गाइस तैयार, ये है मेरा आउटफिट येलो कलर का, बिकॉज मैंने येलो कभी पहना नहीं है। ब्लाउज मेरा कलर चेंज है बट पैटर्न वही है सेम जो नोना के बर्थडे में था, और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से। मैं एक मिनट ना थोड़ा मैं बस गाइस को अपना लहंगा दिखा दूँ। तो गाइस मैंने वहीं से लिया साड़ी वाले भैया से, और ये है मेरा लहंगा, अभी लाइटिंग कम की वजह से आपको दिख नहीं रहा। एंड आज मेरा हेयर स्टाइल मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है बिकॉज मैंने ख़राब कर लिया, मेरी आदत है हाथ देने की बार बार। हाँ आप दिख रहा है आपको, देख लो टेंट में, और मेरी नंद ने पहनी है साड़ी पीछे और मैंने लहंगा। हाँ और गाने चल रहे हैं इससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाऊंगा गाइस। यहाँ पे है हमारा फंक्शन जगतपुर के टेंट में, मैं पहली बार आई हूँ जिंदगी में, पहली बार आई हूँ आज। ये वश्वेरी दीदी और ये रही निन्नू, निन्नू बुआ के पास जाओ आप, ये कौन है गाइस, नोरा की डांस वाली आदत तो अपनी बुआ पे ही गई है और मम्मी आ गई है और नानू भी आ गए हैं, नानू पापा कहाँ है, मम्मी और पापा भी आ गए हैं, सब उधर हैं, कहाँ भेज दूँ, हाँ करवा दो फौरन छू दो ये। बोलो हेलो गाइस, हेलो डांस कर दो, पम्मी ने लगवा दिया यहीं पे खाना, पम्मी कह रहे हैं ससुराल वालों के लिए यहीं लगा दो, तो वेटर भैया लगा रहे आगे जा रहे हैं खाना और हम लगे पड़े हैं, और ये डाइटिंग पे से खा नहीं रही। आई आ चुका है पुनीत, खा ले पहले खाना खा ले, मम्मी तो आ गई है बोलकर तो है तेरी मम्मी, मेरी मम्मी तो तबीयत खराब हो गई, बोला भी गाइस इसने मेरे को आंटी को लेके नहीं आया, मेरी तबीयत खराब हो रही है, स्वेलिंग आ रही है पूरे, खाना खा ले। हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मम्मी हमें छोड़ के आ रही है, फिर मम्मी टेंट में ही है, चला रहा हूं टेंट में, आ रहा हूं, सुनो जी गुन्नू को भी ले आना हमें छोड़ते ही, पापा भी वही है ना, रुको इधर आओ। और गाइस आज पूरे टेंट में ही आदमी मेरे से एक मिनट नहीं बोला, इसने मैं देखी आ गई थी पिंकी दीदी अंदर आ जाओ, अरे नहीं दीदी नहीं, अरे दीदी नहीं छोड़ दे आज, नहीं नहीं गाइस ये आए थे भाई, भाई ने देखो कितनी एक्टिंग चल रही है गाइस, हम जा रहे हैं ताई के, चलो ना चप्पल पहन के आ रही हूं फटाफट, अरे 2 मिनट को चल रहे हैं आ जाओ ना, ना क्या करेंगे गाइस, मम्मी आई थी और ताई है और तन्मय भैया वगैरह, आज तो ताऊ की रिटायरमेंट का चमक ऐसे ही मार रही है चेहरे पे, मैं पूरे टेंट में घूम रही हूँ, जब जयमाला पड़ी जब ओहो इतने लंबे पल्ले में ही आई थी मैं, जब नहीं हाँ आ गए टेंट में से ताई के घर, ये रही हमारी ताई, और ताई ने सबको रिटर्न गिफ्ट में सूट दिए थे, गुन्नू को भी दिया है, ये
और ये सब मम्मी लेके आई है गाइस, हमारी ताए गाना गा रही है गाइस, मैंने मम्मी से लेट आने को इसलिए ताई गुस्सा कर रही है। देखना जा रही हूँ मैं, नहीं उतारा। देखो मेरा मेकअप अभी तक ठीक है, मैं सूट चेंज कर लिया था, ये पहना है और ये आ गए हैं। और इनको इनकी ना तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, थक गए हैं और इनको कह रहे देखियो गाइस, इनको ना दाना हो गया बहुत बड़ा, अब मम्मा को छोड़ के आ रही है। ओए दूध 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 निकल गया गाइस, रो रहे हैं भाई सब, एक दूसरे को भेंट दे रहे हैं भाई सारे। फाड़ मत दीजो गाइस, आज इन पे भेंट हो गई है। मम्मी एक बार अपना बटुआ दिखा दो, एक बार मम्मी दिखा दो गाइस, देखो मम्मी का पर्स, ये देखो आज तो बटुआ भर रखा है क्या? 12 बज गए हैं और मैंने अब लोअर टी शर्ट पहन लिया है और अब भी देख लो मेरा मेकअप एज इट इज का एज इट इज है। आरुषि ने इतना अच्छा मेकअप करा है। जब मुझे कभी कभी स्टार्टिंग में होता है ना तो मुझे बेस बहुत हैवी लगता है, पर फिर एंड में अच्छा लगने लगता है। और अब हम आ गए अपनी औकात पे, पजामा टी शर्ट में जीन तो फिर भी सूटी पहन। हाँ अब मेकअप उतारूंगी पर लैशेज रख लेती हूँ, काम आ जाएंगी ना, है ना। कल के मेरे पास ग्लू है, क्या हो गया घर से आए हैं, मतलब पार्टी खा के आ गए, उसके बाद अब गाइस बज रहे हैं, दो बज रहे हैं देख लो। और हमें भूख लगी तो फिर से हमने अब ताई के डंडा में आवाज मार के पूड़ी और मटर पनीर लिया कि भूख लग दिया हमें, दे दो भर के लाया प्लेट में। पिंकी दीदी पकड़ी गई मुंह में भर दी गाइस, रसगुल्ले आए हैं भर के, पम्मी भर भर के भेज रहे हैं वहाँ डंडा पे से, और हम लग रहे हैं तू देने में। आ, मैं गया था, मैंने ही मांगे थे। आपने मांगे थे, क्या बोला था? मैं गया था रसगुल्ले दे दो, अब वो दे दो मटर पनीर। मॉर्निंग तो हम उठ चुके हैं और आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं, डायरेक्ट रोटी। मैं तो बहुत मतलब 11 बजे उठ गई थी, अब तो 12:30 हो रहे हैं और अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, रोटी चटनी चाय। और रूम की हालत अभी मैं ठीक करूंगी, बेबी आप खा के अंदर सो जाना, मैं रूम ठीक करूंगी। ये गाइस थक रहे हैं। हाँ जी, फिर 2 मिनट मुझे रूम बेड झाड़ने देना बेटा, झाड़। दीदी आ गई ना काम वाली, नहीं अंदर सोना चुपचाप। चलो गाइस ब्रेकफास्ट कर ले फिर मिलते हैं, मेरा मुंह तो बहुत बेकार हो गया। के साथ हम करते हैं ब्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। और अभी भी हमारे घर में शोर है, सारी बुआएं वगैरह भी आई हैं, ये रे बुआ ताई वगैरह, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ये व्लॉग कैसा लगा? थोड़ा छोटा है क्योंकि आप लोग समझते हो फैमिली फंक्शन में टाइम नहीं मिल पाता व्लॉग बनाने का, बट आप लोग देखना पसंद करते हो तो इसलिए मैंने फिर भी बनाया, तो जितना छोटा है वो क्लिप्स मैंने डाल दी। डांस वीडियोज़ आपको शॉर्ट्स में मिलती रहेंगी, तो आप लोग शॉर्ट्स देखना मत भूलना। बाय, लव यू।